नमस्कार दोस्तों, सो आज का हमारा टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम से अबाउट पीएच। तो यू नो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H3O प्लस आयन। तो इसका मतलब H3O प्लस जितने ज्यादा होंगे जो पीएच है वो उतनी ही कम आएगी। दोस्तों पीएच जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के इस पार्ट से एक क्वेश्चन होता ही होता है किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका इलेवेंथ का एग्जाम हो, स्कूल का एग्जाम हो, उसमें ऐसा क्वेश्चन एक तो होगा ही। तो पहले हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबल है, वो है कि कैलकुलेट पीएच ऑफ 10^-8 मोलर HCl सॉल्यूशन। यू नो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो HCl जो है वो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट होगा इनटू H3O प्लस एंड Cl नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो HCl की कॉन्सेंट्रेशन है वो ही H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो कितनी होगी? 10^-8। अब अगर हम pH फाइंड आउट करें तो वो तो माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस है, तो माइनस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? 10^-8। सो माइनस 8 लॉग 10, और लॉग 10 क्या होता है? 1, क्योंकि लॉग a की पावर n है ना, तो क्या हो जाता है? n लॉग a। इसका मतलब pH क्या आएगा? 8। तो इस pH 8, HCl डाला हमने और pH आया 8, मतलब सॉल्यूशन क्या होगा? pH इक्वल टू 7 हो तो न्यूट्रल होता है, लेस देन 7 एसिडिक और ग्रेटर देन 7 बेसिक। तो सॉल्यूशन तो बेसिक हो गया, ये तो उल्टा हो गया सारा। पर यहां हमने गलती क्या की वो ही आपको याद रखना है। गलती ये हो गई कि जो 10^-8 है मोलर एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम HCl, दैट इज लेस देन द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वाटर। आपको पता है वाटर की वजह से कितना आता है? 10^-7। तो इसका मतलब वाटर का कंट्रीब्यूशन वी कैनॉट नेग्लेक्ट इन दिस केस। तो जब हम H3O प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे इस केस में, तो दैट इज इक्वल टू 10^-8 फ्रॉम एसिड प्लस 10^-7 फ्रॉम वाटर। तो समझ में आ गया आपको कि हमने वाटर का कंट्रीब्यूशन ऐड क्यों किया? क्योंकि जो एसिड से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है वो कितनी है? 10^-8 यहां से दिख रहा है, पर वाटर की वजह से कितनी होती है? 10^-7। इसलिए हमने उसको नेग्लेक्ट नहीं किया। अगर ये 10^-3 तो वी कैन नेग्लेक्ट, बट -6 हो तो भी हम इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, वाटर का कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे। बट ये तो करना ही करना है क्योंकि यहां वाटर का कंट्रीब्यूशन जो है दैट इज मोर देन एसिड, इसलिए हमने दोनों को ऐड किया। तो ऐड करेंगे तो इट इज इक्वल टू 0.1 × 10^-7 प्लस 1 × 10^-7। तो यहां से 0.1 + 1 × 10^-7 एंड दैट कम्स आउट टू बी 1.1 × 10^-7। तो H3O प्लस आ गया आपके पास। नाउ pH, pH इक्वल टू माइनस log ऑफ 1.1 × 10^-7। ये H3O प्लस, क्योंकि pH क्या होता है? माइनस log ऑफ H3O प्लस।
तो इट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1.1 प्लस लॉग ऑफ 10 रेज पर माइनस 7, क्योंकि लॉग ए इंटू बी हो गया रे, तो लॉग ए इंटू बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी, फिर माइनस ऐसे रखो, कितना हो गया लॉग ऑफ 1.1 और लॉग ए की पावर एन, तो एन लॉग ए हो जाएगा, तो माइनस 7 लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहां से ये हो गया माइनस कॉमन ही रखो लॉग 1.1 माइनस 7 लॉग 10 1, तो दैट इज, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1.1 प्लस 7। अब 7 तो ऐसे रहेगा, आपको 1.1 का लॉग फाइंड आउट करना है, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि लॉग कैसे निकालते हैं, वापस बता रहा हूं, लॉग निकालना है तो ये है 1.1, तो डेसिमल से पहले जितने नंबर हैं उनमें से माइनस 1 करके यहां लिखना है। अब ये है लॉग 1.1, तो काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल प्लेस, कितने डिजिट है एक ही है, माइनस 1 करके यहां लिख दो, कितना हो गया 0. बस डेसिमल का इतना सा काम है। अगर लॉग 11.0 होता तो कितना आता 1, क्योंकि 11.0 मींस कितने डिजिट हुए, 2 डिजिट बिफोर डेसिमल प्लेस, तो आप लिखते 1, पर यहां पे एक ही डिजिट है बिफोर डेसिमल प्लेस, इसलिए आपने 0 लिखा। अब आपके पास नंबर है 11, तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो हम मान लेंगे कि ये अगर कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो पहले आप 11 पे जाओ, आपको तो लॉग स्टार्ट ही 10 से होता है, 10 to 99 लिखा था ना लेफ्ट साइड, 10 से स्टार्ट होता है, तो 11 पे 0 के नीचे देखोगे, तो 11 में 0 के नीचे जो वैल्यू है, लॉग एंड एंटी लॉग कैसे देखते हैं उसका अलग वीडियो है, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, उससे आप देख सकते हो कि कैसे लॉग निकालते हैं हम। तो 11 के 0 के नीचे जो वैल्यू आती है दैट इज 0.0414 प्लस 7, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 6.95, और यहां कितना हो गया 6.9586, दैट मीन्स pH इज नियरली इक्वल टू 6.96, तो ये आंसर आएगा विच इज लेस देन 7, इट इज वेरी क्लोज टू 7 बट इट इज लेस देन 7, दैट मीन्स सोल्यूशन इज एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी लर्निंग।